चांदनी चौक लोकसभा सीट से दोनों प्रत्याशियों का नामांकन भरा जा चुका है। ऐसे में चांदनी चौक लोकसभा जो सीट है वो बेहद अहम मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस से अनुभवी, जिसको कहते हैं खिलाड़ी, वो है जेपी अग्रवाल, इंडी गठबंधन ने उनको मैदान में उतारा। दूसरी तरफ वहीं पर प्रवीण खंडेवाल, जो कि पहली बार भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस पर मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए तमाम जो यूथ है वो मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि कौन जो होगा जो संसद तक पहुंचेगा और इनकी आवाज को बुलंद करेगा। ऐसे में सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ है, यूथ ही देश का जो भविष्य है वो कम से कम बताएंगे, और ये बताएंगे अपनी जुबानी कि आखिर इनके मुद्दे क्या है, उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा। आपका नाम? जी, अंशित पुरवाल। अच्छा अंशित जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो लड़ाई है ये लोकसभा की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, आप क्या बोलेंगे? क्योंकि एक तरफ तो प्रवीण खंडेलवाल, दूसरी तरफ जो है जेपी अग्रवाल। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कि जो प्रवीण खंडेलवाल जी हैं वो चांदनी चौक के ही रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये, उनकी दिल में, उनकी धड़कन में चांदनी चौक बसता है और चांदनी चौक की जनता ने उन्हें अपार प्यार दिया है। अभी कल जैसे नॉमिनेशन हुआ, हजारों नहीं मैं तो कहूंगा 10,000 की संख्या में पूरी जनता के साथ जो वो नॉमिनेशन बनने गए, तो जनता ने नॉमिनेशन के टाइम पे ही बता दिया है कि चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। टिकट क्यों काटा गया जो अभी मौजूदा सांसद है वहां के, डॉक्टर हर्षवर्धन? देखिए, टिकट काटना अब मैं आपको बताऊं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संसार नहीं चल सकता। इसी तरह जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक ही बंदे को, अगर 1970 से राहुल गांधी को टिकट मिल रहा है तो 2020 में भी राहुल गांधी को मिलेगा, 2024 में भी मिलेगा। प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे बोल रहे हैं बीजेपी से? देखिए, मेरे काबिल दोस्त जो हैं उन्होंने ये बोला कि प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे, लेकिन ये प्रवीण खंडेलवाल वही हैं जिन्होंने कुछ सालों पहले ही चांदनी चौक के अंदर कुर्की पड़वाई थी, ठीक है ना, वहां के व्यापारियों के लिए दुकान सील करवाई थी। और जहां तक हमारे माननीय जेपी अग्रवाल जी का सवाल है, वो एक मृदी भाषा वाले हैं, सम्मानीय हैं, 4 बार के नॉमिनेटेड हैं वो, ठीक है ना, गली गली के अंदर उनका वर्चस्व है, बच्चा जानता है उनको। प्रवीण खंडेलवाल जी को कौन जानता है? केवल व्यापारी जानते हैं। कौन जानता है प्रवीण खंडेलवाल जी को? व्यापारी जानते हैं सर। व्यापारी के साथ साथ जो वहां का उनके जो उनकी पकड़ है, ऐसा तो नहीं है वो आज के हैं, बाहर से आए हुए हैं, वही वहीं के शुरू के रहने वाले हैं, तो उनकी पकड़ उस जमीन तक चांदनी चौक के एरिया में बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब जीत जाएंगे वो? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, अगर किसी को ये लगता है कि चेंजेस होना, पुराना किसी का नाम आ रहा है वही हमेशा जीतेंगे, ऐसा नहीं। चेंजेस होना भी बहुत, जैसे मेरे साथी ने कहा, परिवर्तन एक नियम है, और चेंजेस शुरू में किसी को अटपटा लग सकता है, लेकिन जब चेंज के साथ नए नए रूल्स, नई रेगुलेटरी लेके आते हैं हर चीज, तो एक बदलाव। क्यों नहीं जेपी अग्रवाल, क्यों नहीं इस बार नया चेहरा, क्यों नहीं जेपी अग्रवाल? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, जेपी अग्रवाल को देखो ना, 2014 में भी जेपी अग्रवाल, 2019 में भी जेपी अग्रवाल, 2024 में भी जेपी अग्रवाल, मतलब क्या जेपी अग्रवाल के बाद वहाँ पे उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो ये व्यापारियों की बात कर रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी ऑल इंडिया व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री हैं, महामंत्री रह चुके हैं। अगर उन्होंने व्यापारियों की कुड़की कराई होती तो आज वो व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री नहीं बन के बैठे होते, वो व्यापारियों की आवाज है। और चांदनी चौक का तबका, मैं आपको बता दूं, 70% तबका व्यापारी लोगों का है। अगर वो उनकी आवाज बन के उनके संसद के बीच में, जैसे आपने कहा था टिकट की बात, तो चांदनी चौक का जो एक जान है, चांदनी चौक की जो एक आत्मा है, वो व्यापारियों की है। और व्यापारियों की आत्मा को अगर एक व्यापारी समर्थन देगा तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल? हाँ, तो कौन काम करेगा? तो आपका मतलब अरविंद केजरीवाल ने काम करा? जी हाँ बिल्कुल करा। अच्छा बिल्कुल की है। और उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, एक चीज बड़ा इसमें भाई ने बताया, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, वो विदा होना जरूरी है ना। लास्ट टाइम शायद ये आपकी बीजेपी की वहां पर सीट थी ना, तो परिवर्तन जरूरी है, इसमें कांग्रेस होना चाहिए, होनी चाहिए। और ये भाई ने बताया कि यार कांग्रेस होनी चाहिए, भाई कांग्रेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कांग्रेस? उन्होंने काम करवा रखा है, कांग्रेस होनी चाहिए। तो फिर क्यों नहीं अब तक कांग्रेस आई? भाई भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल के अंदर तो हर कोई पास हो जाता है। भेड़ चाल देखिए सर, आपने किसी को बोल दिया हाँ जी हम आपको ये करके देंगे, लो हाँ जी ये चलो साथ में, तो सारे साथ में हो जाते हैं। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, जब आप आते हैं इलेक्शन के लिए, लड़ते हैं, वोट मांगते हैं, तो कभी आपने किसी को पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? मैं उसका समाधान दूंगा और परमानेंट दूंगा। आज तक मेरे को किसी बंदे की ये आवाज नहीं है कि भाई साहब मैं जिम्मेवार हूँ, मेरे से आके मिलो, ये करो वो करो, आज तक किसी का कोई समाधान नहीं आया। आज भी हम जाके भटकते रहते हैं, सर हमारी सुन लो, सर हमारी सुन लो, कोई हल नहीं है।
अच्छा कोई हल नहीं है। देखिए हल हर चीज का होता है, बात सारी ये है कि वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, अगर वो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं पे भी हल नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं कि टिकट काट दिया, इतनी बड़ी बात है, जो कि पूर्व मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके बावजूद काटे, कहां कमी आई है? नहीं नहीं देखिए कमी आई तो फिर तो जेपी मैं आपको ये बात बताता हूँ, टिकट काटना मैं इसको सही शब्द नहीं बोलूंगा, टिकट में परिवर्तन करना मैं सही शब्द बोलूंगा। हो सकता है कि हमारे संगठन को डॉक्टर हर्षवर्धन में एक ऐसी प्रतिभा दिख रही हो जो और कहीं पे और अच्छी तरीके से यूज की जा सके, तो मैं उसको टिकट काटना, तो पहली बात उसको मैं नहीं बोलूंगा कि टिकट काट दिया और उनको नीचे कर दिया। हमारे डॉक्टर साहब ने भी बहुत काम किया है, डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं जो आज ये पोलियो और जो बोलते हैं डॉक्टर साहब पोलियो के उन्मूलक है, या ऑन रिकॉर्ड बात है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोलियो मुक्त भारत जो बनाया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बनाया है, ये बात से चाहे मैं नहीं मुकर सकता, आप नहीं मुकर सकते और कोई जनता नहीं मुकर सकती, तो ये तो भाई बात ही कहना बेकार है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया। और रही बात दूसरी जो ये कह रहे परिवर्तन, कांग्रेस आनी चाहिए, वादे पूरे नहीं हो रहे। देखिए क्या वादे पूरे नहीं हो रहे, हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में बीजेपी का सबसे पहला मैनिफेस्टो क्या था, राम मंदिर 370 और हमारी जीडीपी को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में लेके आना। अभी अभी फिलहाल मैं इलाके के मुद्दे की बात, मैं इलाके के मुद्दे की भी बात कर लेता हूँ। इलाके के मुद्दे में आप ये बताइए मुझे कि ऐसा अभी जैसे इन्होंने चांदनी चौक का सौंदर्यकरण की बात करी, केंद्र शासित प्रदेश है भाई साहब, 60% से 70% फंड केंद्र देती है, केंद्र सरकार ने 30% मांगा था उसमें से भी उन्होंने 15% ना दिया, 15% देने से मना कर दिया। इनके सिंह से पूछना, अगर उठा के देख लेना केंद्र शासित, और ये आपको भी पता है कि कितनी ताकत किसमें होती है और किसमें नहीं होती है ना जी। अच्छा बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है चांदनी चौक, कैसे समस्या हल होगी, कौन कर सकता है, क्योंकि इस बार नए चेहरे है और वही एक पुराना चेहरा कांग्रेस से है इस बार। देखिए वैसे तो जैसे हमारे मेंटर हमारे भैया ने बताया कि जैसे एक बात तो यही होगी कि एक जो फेस है वो काफी टाइम से है और एक न्यू फेस है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो न्यू फेस है जो इस बार प्रवीण जी आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस चीज को नई तरह से देखे, डेवलपमेंट जैसे अब हो गई है तो उससे और आगे की सोचे कि मतलब कि लाइक के अब डेवलपमेंट के बाद जैसे वहाँ के ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए और भी चीजें जो है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, भीड़ भड़ा के जैसे आपने बताया तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए वहाँ पे पेनल्टीज वगैरह के चार्जेस है वो अच्छी बात है सही है, तो उसी को मेंटेन रखा जाए या और भी उसमें डेवलपमेंट की जाए और भी एरियाज में, जैसे चांदनी चौक हुआ है वहां से आगे और मसाला मार्केट भी है, खाड़ी बाबली का एरिया है, तो ये सारा भी डेवलप किया जाए उसी के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। परिवर्तन जरूरी है, एक पक्ष का कहना है परिवर्तन जरूरी है, तो वहीं पर हमने इनका विजन जानने की कोशिश की कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से आखिर कौन होगा किंग, कौन संसद तक पहुंचेगा और कौन इनकी आवाज को बुलंद करेगा, क्योंकि एक तरफ जो चार बार के लगातार सांसद थे वो जेपी अग्रवाल एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है और वहां से उनका वर्चस्व काफी, दूसरी तरफ प्रवीण खंडेलवाल का भी जो आंकड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। आखिर कौन 4 तारीख को जीत दर्ज करेगा, कौन जनता के बीच में रूबरू होगा, कौन उनके आवाज को उठाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पीयूष मीणा के साथ कृष्णा सोनकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।